वेलकम दोस्तों, इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये है 5 इंची की डिब्बी जो कि प्लास्टिक की है और ये बेहतर होता है और इसे हम वायरिंग में लगाते हैं। और ये है 2.5 इंची की डिब्बी। ये डिब्बी हल्की वाली है लेकिन हम इसे जुगाड़ से लगा देते हैं। और एक प्रेस्टो की डिब्बी आती है, वो बढ़िया होती है। और ये है हमारा बैंड। बैंड अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए अगर घर में वायरिंग करना हो तो। आइए हम वायरिंग करते हैं। 4000 स्क्वायर फीट की दूरी है तो हम इसे वायरिंग करेंगे। पहले हम फैन बॉक्स बीच में रखना हो तो कैसे रखेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहले एक पाइप लेंगे, ठीक है। ये है हमारा पूरा कमरा। एक कमरे की वायरिंग करके दिखाते हैं कि बीच में कैसे आएगा फैन बक्सा। तो हम पहले एक पाइप लेंगे और ये देखिए, हमने एक पाइप यहाँ तक माप लिया और दूसरी तरफ इसको लगाते हैं, मापते हैं सेम चीज़। देखिए हमने ये लगा दिया तो हमारा सेंटर में आ चुका है। और ये हो गई लंबाई, ये देखिए हमारा सेंटर में हो गया। अब चौड़ाई नापेंगे। ये हमारा चौड़ाई है, लगभग 10 फीट की है। तो हम यहाँ आधा सेंटर में रखेंगे इसको कॉर्नर पे और यहाँ देखेंगे इतना है तो हम इसको इधर घुमाएंगे। ये देखिए हमारा सेंटर में आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही वायरिंग करते हैं। ये देखिए डिब्बी में भरने के लिए और फैन बक्सा में भरने के लिए गीला माटी आ चुका है हमारा। इसको डिब्बी में भरने के लिए आसान होता है, इसमें कंकड़ मिट्टी और पत्थर वगैरह नहीं रहने चाहिए, नहीं तो ये उठा रहता है ऊपर की ओर। तो और डिब्बी लगाने के लिए ये देखिए कम से कम 4 फीट की दूरी होनी चाहिए, 4 से 5 फीट की। ये देखिए 4.5 फीट या 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए एक कमरा है हमारा 15 फीट का, तो मैंने 5-5 फीट पे लगा दिया है। 5 उधर 5 उधर, 3 डिब्बे लगा हुआ है। पाइप को काट के डिब्बी में लगाएंगे। ये देखिए डिब्बी हल्की वाली है तो हम इसे बीच से फाड़ेंगे क्योंकि आसानी से घुस जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है, फट भी जाती है डिब्बी, तो इसलिए हम इसको फाड़ते हैं। देखिए ये हमारा अंदर तक जा चुका है। ये देखिए ये पूरी तरह आधा घुस चुका है। तो हम घुसाएंगे डिब्बी में ऐसे काट के। डिब्बी में आधा से ज़्यादा घुसा रहेगा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो लेंटर कराते समय तो ये छटक जाता है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम थोड़ा अंदर घुसाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ऐसे ही बीच में फाड़ेंगे। हल्की वाली डिब्बी लेते थे यही दिक्कत होता है कि वो पूरा घुसता नहीं है, बाद में निकल जाता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। ये देखिए हमने आसानी से घुस गया है, अब ये निकलेगा नहीं जल्दी जल्दी, क्या कभी नहीं निकलेगा। ये देखिए हमारा एक रूम की वायरिंग है, मैंने 5 इंची की 2 डिब्बी लगाई है और 3 इंची की 2 डिब्बी लगाई है। बीच में फैन बक्सा है, 1-2 इंची है और ये दोनों 5 इंची है, बीच में फैन बक्सा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे मिलेंगे। धन्यवाद।